हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज जो है अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ की जो दो नई रिक्रूटमेंट आने वाली है उनके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि आपकी चार रिक्रूटमेंट आने वाली हैं बीएसएफ एयर विंग, वाटर विंग, इंजीनियरिंग ग्रुप बी और सी का। तो दोस्तों, उनमें से जो है आपकी तीन रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं, उनके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो उन पोस्ट में दिया हुआ है, तो दोस्तों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 15 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, इसमें दो रिक्रूटमेंट आपकी और आने वाली हैं दोस्तों बीएसएफ वाटर विंग के बारे में। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी आपकी दो रिक्रूटमेंट और आने वाली हैं, आप जो है वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको थोड़ा सा आवाज़ जो है डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इस वजह से प्रॉपर तरीके से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। बट दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, दो रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है दोस्तों। एक तो आपकी आने वाली है पैरा मेडिकल स्टाफ, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट ये भी कमेंट करने वाले हैं कि सर, अभी तक कोई नोटिस नहीं है, आपके पास क्या प्रूफ है कि रिक्रूटमेंट आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है उसके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, बाकी जो पहले से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको दोस्तों पता है कितना क्या इस चैनल पर जो है आपको सही बताया जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट का जो है ये भी कमेंट आने वाला है, क्या सर जो है आचार संहिता के अंदर रिक्रूटमेंट आ सकती हैं। तो दोस्तों, आचार संहिता के अंदर भी अगर डिपार्टमेंट चाहता है रेगुलर बेसिस जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों वो आ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि अभी अदर रिक्रूटमेंट भी आई हैं दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद। तो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है। तो दोस्तों, आपकी पहली जो रिक्रूटमेंट आने वाली है बीएसएफ पैरा मेडिकल स्टाफ के अंदर, तो उसमें दोस्तों आपकी पोस्ट रहने वाली है SI स्टाफ नर्स का, जिसके अंदर 10+2 होना चाहिए और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए GNM के अंदर, या दोस्तों आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो भी दोस्तों आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला आपका रहने वाला है ASI डेंटल टेक्नीशियन, इसमें 10+ आपके पास दोस्तों साइंस होना चाहिए 10+2 के अंदर, और साथ में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से। उसके बाद अगला जो है आपका ASI लैब टेक्नीशियन की आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है 10+2 साइंस, और साथ ही दोस्तों DMLT का जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ ही अगली जो रिक्रूटमेंट है आपकी जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए हेड कांस्टेबल की आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली है 10+2 साइंस में, और साथ ही दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफर के अंदर। उसके साथ ही दोस्तों अगली जो रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है कांस्टेबल वार्ड बॉय, तो दोस्तों इसमें जो है कांस्टेबल वार्ड बॉय के अंदर दोस्तों जो है आपके पास 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल का जो है आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो भी दोस्तों आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक रिक्रूटमेंट आपके आने वाली है कॉन्स्टेबल टेबल बॉय का, तो दोस्तों इसमें जो है ओनली आपको 10th पास इसमें लगने वाला है। तो दोस्तों, ये तो रही बात आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आपको डेट इसमें नहीं बताने वाला हूँ, बट दोस्तों आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है आने वाली है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जो है अपनी रिक्रूटमेंट दोस्तों देखने को मिलेगी। दोस्तों, मई से पहले पहले रिक्रूटमेंट आने वाली है, अगर दोस्तों नहीं आती है तो आप जो है कॉमेंट करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने आज तक जो है आपको किसी भी गलत प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है दोस्तों वही मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों रिक्रूटमेंट आने वाली होती है उसी टाइम दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे पहले आपने देखा होगा
3-4 महीने से BSF का पैरामेडिकल स्टाफ हो, BSF वाटर विंग, कोई भी रिक्रूटमेंट हो दोस्तों, उनके रिगार्डिंग मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। तब आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली होती है दोस्तों, तभी मैं वीडियो बनाता हूं, और लास्ट तक जो आपका फाइनल मेरिट होता है तब तक दोस्तों आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट जो है पहले से चैनल पर जुड़ा हुआ है तो दोस्तों उनको पता है। बाकी अभी अगली रिक्रूटमेंट के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन उसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अगली रिक्रूटमेंट जो है आपकी इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए रहने वाली है। हाल ही में दोस्तों इनका पिछली रिक्रूटमेंट भी आया था और अभी भी है, ग्रुप बी की आपकी ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको वैकेंसी कम देखने को मिल सकती है, 1 या 2 या 3 तक दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट होती है आपकी इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए। तो इसमें असिस्टेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। उसके साथ ही दोस्तों आपके पास जो है 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। किसी भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से दोस्तों आपके पास जो है 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वही कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए। तो दोस्तों हो सकता है आपको आवाज़ कुछ डिफरेंस लगा होगा दोस्तों तबीयत ख़राब होने की वजह से, बट दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताना ज़रूरी था। काफ़ी कैंडिडेट जो हैं BSF पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो है आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन या शॉर्ट नोटिस या दोस्तों जो है फुल नोटिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन फॉरम से लेकर लास्ट फाइनल मेरिट तक दोस्तों A to Z इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ताकि दोस्तों काफ़ी बार जो है वीडियो नहीं बन पाता है, इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको सबसे पहले जो है टेलीग्राम ग्रुप पर बता दी जाती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही दोस्तों आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।